हाय, सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जिस स्पीड से रियल एस्टेट के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, उस स्पीड से ऑब्वियसली लोगों की इनकम इंक्रीज नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि आज से दो साल पहले कोई आदमी अगर 1 लाख रुपए महीना कमाता था तो आज 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो 3 बेडरूम का फ्लैट अंडर 1 CR की रेंज में देख रहे हैं, या तो अब देखना शुरू किया है उन्होंने, या वो देख रहे थे इसी प्राइस रेंज में और सही टाइम पर डिसीजन उन्होंने नहीं लिया। तो इस वीडियो में हम एक ऐसा ही प्रोजेक्ट बताएंगे जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले लेट मी बी वेरी क्लियर के बेस्ट ऑप्शन एक ही हो सकता है। अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 कमरों का फ्लैट अंडर 1 CR कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है, तो एज अ कंसल्टेंट हम आपको 1 या 2 ही प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ देम, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत लोगों के साथ ना एक और दिखाओ और प्रोजेक्ट दिखाओ का एक सिंड्रोम है, एक तरीके की एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो देखते रहते हैं प्रोजेक्ट्स, और जो पसंद आता है जब तक उसको फाइनल करने की स्टेज में आते हैं तब तक या तो उसमें इन्वेंट्री नहीं बचती या प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। और जब भी हम कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं तो हमारा प्राइमरी फोकस एज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेंस होता है, मतलब कि जहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन का स्कोप ज़्यादा हो, एंड यूज़ का थोड़ा कम रहता है। ऑल्दो ये प्रोजेक्ट जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी और एंड यूज़ के लिए भी दोनों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो पहले अगर हम डेवलपर की बात करेंगे तो इस डेवलपर ने नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं रेजिडेंशियल कैटेगरी के अंदर, और 1 कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट डिलीवर होने वाला है। अब इस प्रोजेक्ट की हम लोकेशन की बात करते हैं तो नोएडा एक्सटेंशन में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जो वहाँ की मेन रोड है, बैंगॉन 130 मीटर रोड है ये। सो 130 मीटर इज ऑलमोस्ट 425 फीट, सो काफ़ी विड्थ है इस रोड की, काफ़ी चौड़ी सड़क है ये। और इस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने 24 मीटर की सर्विस रोड भी है, ग्रीन बेल्ट भी है, बढ़िया 3 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट है। 3 साइड ओपन का मतलब कि तीनों साइड प्रोजेक्ट के रोड्स हैं। अब जैसे आप भी अथॉरिटी का जब कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं, सेम सेक्टर में बढ़िया लोकेशन के प्लॉट का प्राइस का वेरिएशन ऑलमोस्ट डबल का भी हो जाता है। सिमिलरली जब डेवलपर भी अथॉरिटी से लैंड परचेस करता है तो बढ़िया लोकेशन के लैंड का प्रीमियम डेवलपर्स को भी अथॉरिटी को देना पड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट का लोकेशन बहुत अच्छा है नोएडा एक्सटेंशन में। अब इस प्रोजेक्ट के कुछ एडिशनल अगर फीचर्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैं, वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एट द एंड इस प्रोजेक्ट की, बढ़िया AAA क्लास कॉन्ट्रैक्टर है। ग्रीन बिल्डिंग का कंसल्टेंट कंपनी गोदरेज एंड बॉयस है, आप इसके बारे में गूगल कीजिए कौन सी कंपनी है। लाइटिंग के लिए पूरे प्रोजेक्ट के लिए अलग कंसल्टेंट है, क्लब के इंटीरियर्स के लिए अलग कंसल्टेंट है। माइवन कंस्ट्रक्शन का अच्छा लाइटेड फसाड का ये प्रोजेक्ट है, IGBC गोल्ड सर्टिफाइड भी है। अब इस प्रोजेक्ट के आसपास के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली मेन रोड पे है, इसके प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट मेट्रो स्टेशन भी प्रपोज्ड है, जो एक्वा लाइन का एक्सटेंशन मेट्रो लाइन है जो नोएडा एक्सटेंशन में जानी है। इस प्रोजेक्ट से थोड़ा पहले IT सेक्टर भी है, सारे प्रोमिनेंट स्कूल हैं आसपास, हॉस्पिटल, होटल्स, मॉल्स, डेली नीड्स की मार्केट सोसाइटी प्रमाइसिस के बाहर भी है, पेट्रोल पंप्स वगैरह, तो जो भी चीज़ें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के कुछ USPs की। ऑल्दो ये प्रोजेक्ट मेन रोड पे लोकेटेड है, लेकिन जो इसका फ्रंटेज है प्रोजेक्ट का, उसका जो विड्थ है दैट इज़ ऑलमोस्ट 350 मीटर, यानी 1150 फीट के आसपास का फ्रंटेज है इस प्रोजेक्ट का। जिस भी लोकेशन में आप, चाहे नोएडा में, गुड़गांव में, अलग अलग सेक्टर्स में आप घूमेंगे, जो भी सोसाइटीज़ का फ्रंटेज अच्छा होता है उनकी ऑब्वियसली विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और वो प्रोजेक्ट कंपेरेटिव टू दूसरे प्रोजेक्ट थोड़े ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, आपने शायद ये नोटिस किया होगा। इस प्रोजेक्ट का टोटल लैंड अथॉरिटी का 100% पेड अप लैंड है, कोई ड्यूज नहीं है, तो आफ्टर पोजेशन जो रजिस्ट्री का इशू या उस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको यहाँ पे फेस नहीं करने पड़ेंगे। SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, मतलब अगर आप यहाँ पे फ्लैट खरीदते हैं, अगर आप लोन लेना चाहें, आप SBI बैंक से भी लोन ले सकते हैं। आपको पता ही होगा कि SBI काफ़ी डिफिकल्ट बैंक है किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में डेवलपर को लाने के लिए, तो इस प्रोजेक्ट में SBI भी फंड कर रहा है, तो उनके काफ़ी सारे नॉर्म्स होते हैं, काफ़ी सारी चेकलिस्ट होती हैं जो ऑब्वियसली हर डेवलपर फुलफिल नहीं कर पाता। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोन लेना चाहें तो आप SBI बैंक से भी ले सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 2 अच्छे प्रीमियम क्लब हाउसेज हैं, जिसमें जितनी भी आजकल अच्छे प्रीमियम प्रोजेक्ट के अंदर एम्यूनिटीज़ होनी चाहिए वो सारी एम्यूनिटीज़ हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग सी एम्यूनिटी भी देखी कि इसमें टेरेस गार्डन्स हैं, यानी कि 3-4 टावर्स को मिक्स करके ऊपर टेरेस गार्डन बना रखे हैं, तो सारे प्रोजेक्ट के टावर्स के ऊपर आपको टेरेस गार्डन मिलेगा, जहाँ पे एडिशनल एम्यूनिटीज़ भी हैं, जैसे वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक है, मिनी गोल्फ बना रखा है, क्रिकेट बॉलिंग की मशीन लगाएंगे, या बॉनफायर या बारबेक्यू उस टाइप का सेटअप करेंगे, तो कुछ एम्यूनिटीज़ आपको क्लब हाउस में मिलेंगी और कुछ एडिशनल एम्यूनिटीज़ आपको टावर के ऊपर यानी कि टेरेस गार्डन में मिलेंगी। टावर की एंट्रेंस लॉबीज डबल हाइटेड अच्छा प्रीमियम एक फील देती हैं आजकल, ये भी एक रिक्वायरमेंट है।
स्मॉग गन्स लगा रहे हैं प्रीमाइसेस में सो दैट की AQI एयर क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके जब पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। अभी हम साइजेस पे आएंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर जो साइजेस दिए हैं डेवलपर ने 3 और 4 बेडरूम के, काफी मासी, काफी डिमांडेड साइजेस हैं। और फ्लैट का लेआउट भी जब आप विजिट करेंगे, जब आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे, जैसे मेरे को भी ऐसा लगता है कि हाई राइज के अंदर बालकनी थोड़ी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, तो इस प्रोजेक्ट के अपार्टमेंट्स की बालकनीज के साइजेस बहुत अच्छे हैं। सो ओवरऑल बढ़िया प्रीमियम प्रोजेक्ट है ये। 12.5 एकर्स का टोटल प्रोजेक्ट का लैंड एरिया है, 2 फेजेस में डिवाइडेड है ये पूरा प्रोजेक्ट। कुछ टावर्स ऐसे हैं जो पहले ओपन किए थे जो सोल्ड आउट हो गए, कुछ टावर्स अभी रिसेंटली ओपन किए हैं जिसके अंदर कुछ इन्वेंट्रीज हैं, कुछ टावर्स ऐसे हैं जो ये फ्यूचर में ओपन करेंगे सेल के लिए। पूरे प्रोजेक्ट का पोजेशन ऑलमोस्ट 3-4 साल के अंदर मिलेगा। अब साइजेस की बात करें तो 3 बेडरूम स्टार्ट होता है 1350 स्क्वायर फीट से, जो कि 3 बेडरूम 2 वॉशरूम्स हैं। उससे बड़ा 3 बेडरूम ऑलमोस्ट 1550 स्क्वायर फीट, 4 बेडरूम एक बहुत डिसेंट साइज बनाया है 2010 स्क्वायर फीट। और जब आप इस प्रोजेक्ट का 4 बेडरूम देखेंगे तो आपको ऐसा क्रैम्ड अप या बहुत छोटा नहीं लगेगा, बहुत डिसेंट 4 बेडरूम बनाया है 2000 स्क्वायर फीट में। सो अब बात करते हैं प्राइसिंग की, विच इज ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस GST प्लस पोजेशन चार्जेस, यानी आप अप्रॉक्सीमेटली मानिए 92 लाख रुपीज का 3 बेडरूम से लेकर ऑलमोस्ट 1,40,00,000 रुपए का 4 बेडरूम। सो ये जो ओवरऑल पैकेज है, माई वन कंस्ट्रक्शन, फुली पेड अप लैंड, SBI अप्रूव्ड, जिस तरह के कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिस तरह की लोकेशन है, जिस तरह का डेवलपर है, जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है, सो बहुत ही अच्छा बाय है एंड यूज के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये 0 डिस्काउंट पॉलिसी पे ये प्रोजेक्ट सेल हो रहा है। मतलब आप चाहे 1 फ्लैट लें, चाहे आप 4 फ्लैट लें, चाहे आप किसी से लें, डेवलपर से लें, आप डेवलपर के ओनर को जानते हो, XYZ कुछ भी हो, आपको जो प्राइस मिलेगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सारे कस्टमर्स को वही प्राइस दिया जाएगा। तो एट द एंड कस्टमर्स को भी मुझे ऐसा लगता है कि डिस्काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मेन कंसर्न यही रहता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मैं ज़्यादा नेगोशिएशन कर लेता या मैं किसी और से बात कर लेता तो मुझे प्राइस शायद थोड़ा बेटर मिल जाता। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ ये चीज़ें सारी खत्म हो जाती हैं, 0 डिस्काउंट पॉलिसी है, जो प्राइस लिस्ट के ऊपर प्राइस मेंशनड है एग्जैक्टली वही आपको दिया जाएगा। ऑल्दो एडिशनल कुछ हम आपको रिगार्ड करेंगे अपनी तरफ से, कुछ आपको गिफ्ट ऑफर देंगे। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, जानना चाहते हैं कौन सा प्रोजेक्ट है, वैसे बहुत लोग शायद अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया या इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं अवेलेबिलिटी, एग्जैक्ट प्राइसिंग, सारी चीज़ों के बारे में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा अगर ऐसा है। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।